हेलो एवरीवन दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टुडे वी विल टॉक अबाउट एल आई सी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर इन सोर्ट एडियो ट्वेंटी ट्वेंटी के बारे में इन दिस वीडियो वी विल कवर इम्पोर्टेंट डेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी रहेंगी एल आई सी एडीओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तो भाई आठ हजार से साढ़े आठ हज़ार के बीच में आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं बहुत ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट वैकेंसीज हैं आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मैं एज लिमिट की बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो ट्वेंटी वन ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी थर्टी ईयर्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए जैसे अगर आप एस सी के मेंबर हैं तो 35 एज अगर आप ओबीसी के मेंबर हैं तो 33 और भी अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो भी दोनों कैटेगरी चाहे वो एम्प्लॉय कैटेगरी हो या फिर एजेंट कैटेगरी हो और किसी भी एरिया के लिए यानी कि अर्बन और रूरल किसी भी एरिया के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बेस्ड होगा ऑनलाइन टेस्ट पर इंटरव्यू पर और उसके बाद में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये थ्री टी प्रोसेस होगी ओपन मार्केट कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें दो फेज आपका एग्जाम होगा प्री और मेंस अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करूं तो देखिए अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो इसमें तीन सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश ठीक है इसमें जो इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जबकि रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आपकी कट ऑफ बनती है आइए आप बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो भाई देखिए जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं थर्टी फाइव न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थर्टी फाइव इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं थर्टी तो कुल मिलाकर हंड्रेड क्वेश्चन हो जाते हैं और जिसके लिए आपको मार्क्स कितने दिए जाते हैं तो भाई रीजनिंग एबिलिटी के लिए थर्टी फाइव न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए थर्टी फाइव और इंग्लिश के लिए थर्टी लेकिन आपकी जो कट ऑफ बनती है वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के मार्क्स को मिलाकर यानी कि आउट ऑफ सेवेंटी मार्क्स आपकी कट ऑफ बनेगी अगर मैं मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश आइए अब बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो प्रिलिमनी एग्जाम जो होगा आपका वो वन आवर का होगा यानी कि आपको हर एक सेक्शन को करने के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स दिए जाएंगे अगर मैं मेंस में एग्जामिनेशन की बात करूं तो डेढ़ सौ क्वेश्चन यानी कि वन फिफ्टी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से फिफ्टी क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे फिफ्टी क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड होगी ठीक है थर्ड सेक्शन जो है वो है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस तो कुल मिलाकर आपके डेढ़ सौ क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं डेढ़ सौ ही मार्क्स हैं ठीक है ठीके? जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा तो टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन करने के लिए आपको वन ट्वेंटी मिनट्स दिए जाएंगे इसमें कोई भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेक्शन वाइज नहीं होती अगर मैं बात करूँ एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में तो इसके लिए जो आपका एग्जाम होगा वो सिंगल फेज एग्जामिनेशन होगा यानी कि केवल के इसमें एक ही ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका अगर मैं बात करूं एजेंट कैटेगरी के, के अंतर्गत तो भाई इसमें तीन सेक्शन होंगे आपके तीन सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल नॉलेज करंट अफेयर जिसमें इं, इंग्लिश इंक्लूड होगा और उसके बाद में इंश्योरेंस और मार्केटिंग जो इंश्योरेंस होती है उसके क्वेश्चंस होंगे कितने-कितने क्वेश्चन -कितने होंगे रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज करेंट अफेयर इंग्लिश को करके 25 और जो आपका और जो हो गए तो हो गए आपका जो एग्जाम होगा दोनों लैंग्वेज में होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा वन ट्वेंटी मिनट यानी कि दो घंटे आपको दिए जाएंगे आइए अब बात करेंगे की, तो इसमें भी जो दो सेक्शन है वो एजेंट कैटेगरी के इक्वली हैं जैसे रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल नॉलेज करंट अफेयर इंक्लूडिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है लेकिन इसमें जो थर्ड सेक्शन है जिसका नाम है प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग ठीक है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वन ही है अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो वो भी वन फिफ्टी जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम है तो दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको वन ट्वेंटी मिनट दिए जाएंगे यानी कि दो घंटे आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू जो भी आपके ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलकर के फाइनल मेरिट आपकी लगेगी उसके बाद में आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसे हम कह देते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन और जब आप मेडिकली फिट अप्रूव कर दिए जाते हैं तब आपको ए की पोस्ट मिल जाती है आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के कि एल आई की जो नोटिफिकेशन डेट होगी वो क्या रहने वाली है देखिए फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि एल आई सी ए ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नोटिफिकेशन फेब के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आने आने का बिल्कुल तय है तो उसी के बाद में एल आई सी ए डी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो देखिए जो सिलेबस है इसका तो वो बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं की तरह है लेकिन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बैंकिंग के कंपेरिजन में उसका लेवल कम होता है मैं कहूँ कि बहुत इजी लेवल होता है सो so, आप अपनी प्रिपेशन करते रहिए अपनी तैयारी करते रहिए जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है तो मैक्सिमम आपको डेढ़ महीना दिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करने में तो आपके पास बहुत कम समय होता है तैयारी के लिए तो अभी से अपनी तैयारी करते रहिए आप और एल आई या फिर एडीओ के तहत जो भी आपको अपडेटेशन आएगी वो मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी सो की प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम थैंक यू वेरी मच सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा थैंक यू सो मच